नमस्कार, आप देख रहे हैं पुलिस पाला वेब न्यूज। मैं हूं आपके साथ हर्षिता। जबलपुर के नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल अस्पताल के वार्ड नंबर 16 में इलाज करा रही बुजुर्ग महिला और उसके बेटे के साथ मारपीट और मौत की घटना के बाद आज कलेक्टर डॉक्टर इलैया राजा टी निरीक्षण करने पहुंचे। सबसे पहले कलेक्टर इलैया राजा ने मेडिकल अस्पताल परिसर के बाहर अतिक्रमण हटाने के निर्देश दिए और निजी एम्बुलेंस को परिसर के अंदर लंबे समय तक खड़े रहने पर पाबंदी लगा दी। मेडिकल अस्पताल में नजर आ रही अव्यवस्थाओं को देखते हुए उन्होंने परिसर के आसपास के क्षेत्र में तुरंत धारा 144 लगाने के आदेश जारी किए। इसके बाद वार्ड के आसपास फैली हुई गंदगी पर नाराजगी जताते हुए मेडिकल वेस्ट के सही ढंग से निराकरण किए जाने के लिए निर्देश दिए। कलेक्टर डॉक्टर इलैया राजा ठी ने माना कि मेडिकल अस्पताल में कई जगह व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने की जरूरत है, जिसके लिए मेडिकल प्रबंधन के साथ सहयोग किया जाएगा और जल्द ही इन अव्यवस्थाओं को दूर कर मरीजों की सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत किया जाएगा। अधिकारी को निर्देश दिए, किस तरह की खामियां थी, क्योंकि जो बीते दिन इंसिडेंट हुआ था ये एक अभी रीज़न इंसिडेंट के कारण ही आज इन्हें मेडिकल कॉलेज में निरीक्षण किया है। उसमें पूरी सेफ्टी और सिक्योरिटी एनवायरनमेंट है ना, हमको इम्प्रूव करने के लिए मैंने क्या है, साथ में डीन भी रखे, सुपरिटेंडेंट भी रखे, उसके अलावा हाइट्स की एजेंसीज़ हैं सिक्योरिटी और इन्हें क्लीनिंग का और इन्हें बायोमेडिकल वेस्ट है ना कलेक्शन का लेकर इन्हें सभी एजेंसी साथ में रखे हैं। डेफिनेटली मेडिकल कॉलेज के सामने सामने इंक्रोचमेंट भी है, उसको भी रिमूव करने के लिए निर्देश दिया है और एम्बुलेंस का तो ऑलरेडी हम लोग आदेश इशू कर ही रहे हैं। ऑलरेडी डायरेक्शन तो दे ही दिया है कि कोई भी निजी एम्बुलेंस परमानेंटली मेडिकल कॉलेज कैंपस में ना कड़े है ना नहीं हो सकती है। आज है ना 144 का ऑर्डर भी है ना इशू होगी, उसके साथ साथ वेस्ट कलेक्शन और ना वो प्रॉपर है ना नहीं हो रही है, उसको लेकर भी ना हम लोग ने डायरेक्शन दिए हैं कि पूरी कैंपस में कहीं भी है ना कचरा ना रखे। बायोमेडिकल वेस्ट है वो, उसके लिए हम लोग ने पूरा मेडिकल कॉलेज में कितने पॉइंट पे इस प्रकार का बायोमेडिकल वेस्ट जनरेट हो रही है उसका नंबरिंग करने के लिए कहा गया है। उसके बाद वहीं से सेग्रीगेशन में कोई भी इश्यू है तो फिर है ना संबंधित व्यक्ति के ऊपर है ना जिम्मेदारी ना फिक्स करने का वो डायरेक्शन भी दिया है। उसके अलावा कुछ वार्ड्स और ओपीडी का भी ना हमने देखे हैं, कुछ कुछ है ना सुधार है ना हमको करना है, सीपेजेस हैं, उसके लेकर भी है ना हम लोग डीन से ना बात किए हैं। मुझे लग रहा है हम लोग आने वाले समय पे लगातार इसको ना निरीक्षण करेंगे, एक ना टीम भावना के साथ ना काम करेंगे सो दैट जनता को एक और है ना फैसिलिटीज़ ना